50, 100, 500 ये नेपाल की सेना के भंसार है यहाँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। सो गाइस कैसे हो आप? अभी यहाँ पे सुबह हो गई है और फोग है, आपने देख ली होगी टाइम लैप्स के अंदर। मैं सुबह उठ गया था 6 बजे, रात को सोने में लेट हो गया था, वीडियो एडिट चल रही थी और मैं अभी बाहर खड़ा होके, व्लॉग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शोर वगैरह आ रहा होगा। ये 3rd एपिसोड। सो गाइस वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल IB Films। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया फ्रेश व्लॉग 3rd एपिसोड का। आज मेरे को जाना है नेपाल और आज क्रॉस करना है नेपाल बॉर्डर, जो कि सनोली बॉर्डर, और वो आप देखिएगा। अभी बस मैं यहाँ से पैकिंग करके और निकल रहा हूँ, मेरा थोड़ा सामान है, आप देख लो, ये सारा मेरे को अभी पैक करना है और यहाँ से निकलने के बाद 148 किलोमीटर की अभी राइड है बॉर्डर तक की। उसके बाद पोखरा, तो वो बहुत टाइम लगेगा, आज तो मुश्किल है पोखरा पहुँचना, बट देखते हैं जहाँ तक भी पहुँच पाया आज वहाँ तक का सीन दिखाएंगे और बाकी जो भी होगा वो अगली नेक्स्ट एपिसोड में रैप करेंगे। दिन ही दिन है हमारे पास, बहुत दिन है यार। ओके अंकल जी, ठीक है अंकल जी, ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल, ठीक है अंकल, मुझे सेंड कर देना जो वहाँ का लोग है नेपाल वाले, ठीक है। तो अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से और टाइम हो गया अभी 10 बज गए हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, अभी सारे लोग देख रहे थे बाइक वगैरह, सारे गेयर्स वगैरह, जैकेट वैकेट को चेक कर रहे थे, हाथ उत लगा के पत्थर है क्या है सारी चीज़ें। यहाँ से मेरे को जाना है सीधा सनोली बॉर्डर बस्ती होते हुए, मेरे को एक बार फ्यूलिंग भी करानी है। नॉर्मल नॉर्मल है ना, अभी टैंक फुल करा लिया है मैंने और 660 रुपये का पेट्रोल आया अभी, बस अराउंड 6-7 लीटर कुछ पेट्रोल आया। और यहाँ से पोखरा है 9 hours and 48 minutes विदाउट एनी स्टॉप, रात को 8:21 पे पोखरा, 330 किलोमीटर। तो पोखरा तो आज नहीं होगा बट यहाँ से सनोली बॉर्डर शायद 150 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाया जाएगा जहाँ से हमारी नेपाल की एंट्री होगी आज। तो ये जो जगह थी इसका नाम था बबनान, ये अयोध्या से आगे थी और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, कार वाले देख तो ले यार, बाइक वालों को कुछ तो रहम कर। हाँ जी, ये मैप मेरे ख्याल से मेरे को पागल बना रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुमा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बस्ती जाता है क्या ये रास्ता? हाँ हाँ, तो यहाँ पे मेन सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी और कुछ नहीं है। ये देखो कितना सुंदर रोड आ गया है और साइड में एक शायद नदी चल रही थी, अभी चली गई है। यहाँ पे ये पूरा जंगल है और बीच में एक ये रोड जा रहा है, ये कोई हिडन प्लेस है एक तरह से, ये नदी है, नीचे नदी है ना यहाँ पे दिख रही, हाँ ये नदी है, ये पूरी रिवर है नीचे। इन्होंने हाथ दे के अभी रुकवाया है। क्या हाल है? बढ़िया भाई। कहाँ, हरियाणा से आ रहे हो? हाँ जी हरियाणा से। तो नेपाल के लिए? हाँ जी। तो रूट किसी ने बताया है कि मतलब आप गलत रूट पे आ गए हो? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये मतलब ये जाएगा नेपाल को ही? ये सनोली बॉर्डर नहीं जाएगा? सनोली बॉर्डर नहीं जा रहा। अच्छा, सनोली बॉर्डर जाने के लिए आपको इस रास्ते से आगे सिद्धार्थ नगर जाके घूमना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, खैर इस रोड पे भी आप बहुत आगे आ गए हो, मतलब अच्छा 20-30 किलोमीटर आगे आ गए, नहीं तो मैं वापस भेजता आपको। बेस्ट आपके लिए ये होगा कि
रुधौली से आप टर्न ले सकते हैं, रुधौली से रास्ता ठीक नहीं होगा, नहीं नहीं एकदम फर्स्ट क्लास बन गया रुधौली। अब ये वाला रास्ता भी ले सकते हैं आप नसीबगंज। अच्छा ये वाला भी, ये नौगढ़, ये एक एक ही जगह मिलेगा दोनों ही। थैंक यू, ओके अंकल। अगर टाइम हो तो हमें चाय पी के निकले। हाँ चाय पी के निकले, चाय नहीं बस पहुँचना थोड़ा जरूरी है अभी। ये भी सही है। हाँ चलिए ठीक है, ओके। शायद यहीं के लोकल थे जो कि अभी बता रहे थे कि रास्ता शायद ये गलत है, बट पता नहीं अभी कहाँ लेके जाएगा। उन्होंने टी भी ऑफ़र करी बट अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था, मेरे को 2 बजे तक पहुँचना ही है वहाँ पे, तो ठीक है चलते हैं। मिनट, सो दिस इज़ द फर्स्ट टोल ऑफ टुडे ऑन नेशनल हाईवे अथॉरिटी वेलकम्स यू। हाँ ये ग्रीन फुल अथिनिस ट्रक में अटक गई है, ये यहाँ पे नदी आ गई है, एक नाम मेरे को पता नहीं है कौन सी रिवर है बट रिवर है। ये रास्ता देखो कैसा आ गया, पूरा फोग है यहाँ पे सारी और दूर दूर तक सिर्फ खेत और फोग दिख रही है और कुछ नहीं है। ये है सुपा बख्शी, इस जगह का नाम है सुपा पक्षी। गेंदा के पेड़ हैं ये सारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनकी जो टहना होता है, जो इनका जो पूरी लकड़ी होती है वो पूरी सफ़ेद रंग की होती है, तो ये सारे सफ़ेदा के पेड़ हैं। मैं अभी इस पेट्रोल पंप पे रुका था वॉशरूम के लिए और ये देखो उतरने की जरूरत नहीं है, फिसल के सीधा नीचे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है इनकी टाइल्स। ये एक और रिवर आ गई है यहाँ पे, अगेन इसका भी नाम मुझे नहीं पता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये यूपी के एरिया में इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं कि छोटी छोटी रिवर बहुत ज़्यादा हैं कि हर एक का नाम पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ये आगे और नया रास्ता आ गया और सारे पत्ते आधे आधे सूखे हुए हैं और आधे हरे हैं, तो येल्लो ग्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला रोड। मैं यार मेरे YouTube स्टूडियो में एक चीज़ देख रहा था कि व्यूज़ जितने हैं उसमें से शायद 40 या पता नहीं 60 ऐसे कुछ रेशियो है कि उतना परसेंटेज वाले तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बाकी अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी वीडियो देख रहा है, नेपाल पहुँचने वाला हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, और लाइक कर देना इस वीडियो को यहीं से। बस अब सनोली बॉर्डर आने वाला है थोड़ी देर में, और कमेंट एक प्यारी सी कमेंट छोड़ देना जिससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है आगे और कुछ करने की, कुछ खतरनाक, कुछ एडवेंचर, कुछ बहुत सी चीज़ें करने की मोटिवेशन मिलती है। अभी दूसरा टोल आ गया है और ये काठमांडू 288 और सोनाली कह रहा हूँ सनोली 9 किलोमीटर। अभी सनोली बॉर्डर थोड़ा दूर है और ये ट्रक की लेन है पूरी, यहाँ पे सारे ट्रक खड़े हुए हैं, इनकी अभी एंट्री होएगी रात में या जब भी इनका टाइम होगा तब ये एंटर होएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे ये रात तक, और रात को ये सारे नेपाल बॉर्डर में एंटर होएंगे। यहाँ से अभी 6 किलोमीटर है, ये लिखा हुआ आ गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू ट्रक वाले भैया, क्या ऊपर चढ़ा दोगे टेम्पो के, थैंक यू विजिट अगेन। यहाँ पे इंडिया बस ख़त्म हो रहा है और अब नेपाल बॉर्डर स्टार्ट होना है आगे। यहाँ पे अब सारे ट्रक उधर से जो पास हुए हैं गुजरात नंबर इधर आ रहे हैं। ये हमारे इंडिया का आप देख सकते हो फ्लैग का कलर ऑरेंज वाइट देन ग्रीन, और उधर नेपाल है इस सीमा के पार, तो ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर, ये इंडिया का गेट है और उस साइड नेपाल का गेट है। तो मैं अभी यहाँ से अंदर जा रहा हूँ अपनी प्लेटिना, और यहाँ पे ये नेपाल की बाइक है, इसकी रेड नंबर प्लेट है। एक चीज़ आपको बता दूँ, नेपाल की जितनी बाइक्स हैं उनकी रेड नंबर प्लेट होती है। और यहाँ पे देखते हैं जाने देंगे कि रोकेंगे, प्लेटिना लेके आ सर। यस सर। सर क्या क्या दिखाना है? डंडा बंद है।
कैमरा। यहाँ पे अभी फोटोकॉपी करानी है अपने कोविड के डॉक्यूमेंट्स की। ये नेपाल की सिम है। ये भंसार है यहाँ का और 10 दिन का मिला है यहाँ का परमिट अभी। और ये है नेपाली करेंसी 50, 100, 500 और 1000 के नोट। ठीक है भैया, ओके। भंसार हो गया, अपना सारा काम हो गया, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, थैंक यू। सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी थी आर्मी ऑफिसर्स के पास और इनको दिखाना, चलो आगे देखते हैं, अभी मांगेंगे तो दिखा देंगे। सो ये है वेलकम टू इंडिया और यहाँ से है वेलकम टू नेपाल। ये स्टार्ट हो गया यहाँ से नेपाल बॉर्डर। ये नेपाल का गेट है। पुलिस की ड्रेस ब्लू कलर की है, हमारे वहाँ पे खाकी रंग की है ना, यहाँ पे ब्लू है। यहाँ से है लुम्बिनी 26 और पोखरा 180 किलोमीटर। भंसार वगैरह सारी चीज़ें मेरा हो गया है। 10 दिन का मिला है, 12 दिन का कही थी, 7 दिन का होता है वैसे, बहुत मुश्किल से 10 दिन पे माने हैं, तो कोई बात नहीं, 10 दिन में काम चला लेंगे। पोखरा हो गया चाहिए। तो यहाँ पे अभी पीछे पुलिस ने रोक लिया था, भंसार का पूछ रहे थे, तो भंसार अपना हो गया है। अब हम रेड नंबर प्लेट की दुनिया में आ गए हैं आजकल। अब यही दिखेगी अपनी वाइट है और सबकी रेड है, ये सारे नेपाली है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ होता है, जो कुछ भी होता है मुझे समझ नहीं आ रहा, लुच चाय पता नहीं क्या है, जो भी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू रोड्स ऑफ नेपाल। अपनी प्लेटिना फाइनली इन नेपाल। रोड तो काफ़ी अच्छे हैं बट मेरे को भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है और बहुत देर लग गई मेरे को भंसार बनवाने में। तो नेपाल घुसते ही सबसे पहली चीज़ ये आई है सामने, ये गेट है एक नेपाल में, इसी गेट से अंदर हो लेते हैं। ये पोखरा का रास्ता है, पहली नदी नाला जो कुछ भी है नेपाल का आ गया है। का रोड बंद है तो इस साइड में अभी चल रहा हूँ। आ गया अभी देव कोटा चौक, रेड लाइट है। बाकी नेपाल लगभग अपने इंडिया जैसा ही है। ये आगे मेरे को कुछ सही जगह लग रही है नेपाल में, शायद यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, तो खाना भी खाना है, लंच भी नहीं करा, काफ़ी टाइम हो गया है। तंदूरी है उसमें, वहाँ पे तंदूरी है, वहाँ पे मिल जाएगा खाना, यहाँ कहीं खाना नहीं है। रोटी मिलेगा ना वहाँ पे, रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी। हाँ धन्यवाद। न्यू जीरा तंदूरी रेस्टोरेंट, खाना। तो मैं अभी यहीं शंकर नगर या शंकर विहार है बटवल से 8 किलोमीटर पहले यहाँ पे रुका हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ का नेपाल का जो टाइम है, टाइम जोन है, वो इंडिया से 15 मिनट आगे है। और आगे मतलब कि ज़्यादा है, अगर वहाँ पे 4 बजे हैं तो यहाँ पे 4:15। और सिम मैंने ले ली वहाँ पे 4:30 के आसपास की मेरे को सिम मिली, जिसके अंदर मेरे को कुछ 17 GB का डेटा मिला। बाकी सब वहाँ पे मैंने अपनी वैक्सीन की रिपोर्ट दिखा दी थी और वहाँ से मेरा वो अप्रूव हो गया सब कुछ। और फिर उसके बाद अब मेरे को क्लियर हो गया सब कुछ और यहाँ पे अब खाना वाना खा के देखते हैं होटल वगैरह, क्योंकि थक भी गया हूँ अभी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी टाइम लग गया, एक घंटे के अराउंड तो लग ही गया, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया वहाँ पे सारे काम होने में। तो खाना वाना खाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है आगे। अब बाइक मैंने यहाँ पे पार्क करी है, ऐसे कुछ रोड हैं नेपाल के। और हम अभी
नेपाल में है। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी है जो कि बाइक पे ही है, कोई फ्लाइट व्लाइट कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत। बस आप लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा इसको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अभी खाना आ गया और ये है कढ़ाई चिकन और विद चपाती सैलेड एंड सम डिप। हाँ तो आज का प्लान बटवल रुकने का है, बटवल, और बटवल यहाँ से 8 किलोमीटर है, 13 मिनट का रास्ता है। पोखरा तो नहीं पहुँच पाऊँगा आज मैं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि आगे का रास्ता ख़राब है पोखरा का। तो अभी 4:12 भी हो गए हैं और तीसरा दिन है आज मेरे को बाइक चलाते हुए कॉन्टीन्यूसली, तो थोड़ी सी थकान भी है और वीडियो एडिट भी करनी है। तो बुटवल रुक के सबसे पहले होटल लेते हैं, फिर वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा और फिर कल निकलेंगे आगे पोखरा के लिए सुबह। अभी यहीं पे स्टे लेते हैं, ये यहाँ के रोड है, इसके बाद थोड़े से किलोमीटर और जाने के बाद रोड बिल्कुल ख़राब है, रोड की कंडीशन, और पोखरा में बहुत टाइम लगने वाला है। अगर मैं पोखरा जाता हूँ तो मेरे को ना ना करते हुए आराम से 10, अगर मैं कहीं पे स्टे लिया खाना खाया तो 12, रात के 12 बज जाएंगे, तो वैसा कोई मैं चांस नहीं लेना चाहता क्योंकि रोड भी ख़राब है। वो आपको कल दिखाएंगे। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, वहीं ऊपर ही है पोखरा सारा, वो माउंटेन्स एरिया है पूरा, और अभी थोड़ा सा ही फोग है तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है, बट मेरे को दिख रहा है। अगर आपको दिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तो दिख ही जाएंगे। तो मैंने अभी होटल ले लिया है बहुत ही मुश्किल से, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें बताता हूँ। मेरा अभी रूम चेंज हो रहा है, ये वाले रूम में थोड़ी सी दिक्कत है, दूसरे रूम में इतने ट्रांसफर होते हैं। खाना खाने नीचे आया था तो मेरे को पता चला, यहाँ के कुछ लोकल से मैंने बात करी, जैसे हमारे वहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे होता है, यहाँ पे अभी मक्शीर चल रहा है और अभी नेक्स्ट ईयर जो जनवरी आएगा वो यहाँ का है पुश, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे बोलेंगे उसको पुश, पुश आ गया पुश। तो ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ये नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ आज तक, तो इसीलिए यहाँ का सब कुछ वही चल रहा है जो यहाँ पे पहले था, मक्शीर पुश, नाइस। अभी वीडियो भी लगभग एडिट हो गई है, ये वाला जो मैं शूट कर रहा हूँ बस ये वाला पार्ट मेरे को और डालना रह गया है, और उसके बाद वीडियो का काम ख़त्म। और टाइम हो गया है 9:05, तो आज के इस व्लॉग को इतने रखते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है वैसे ही, 17 मिनट का तो अभी हो चुका है, 17.5 मिनट का तो और भी अभी जाएगा। सो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर सकते हो कोई भी अच्छा सा, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय 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 बाय।